हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर और कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिसका नाम आपको दिखाई तो दे रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोलिए दोस्तों, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? एक इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता क्या है? तो चार्ज वार्ज कुछ नहीं होता है, चार्ज मतलब एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज चार्ज? प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो सर, प्रॉपर्टी? यस, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब आपके पास अगर चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, तो आप दूसरे एलिमेंट के साथ में एक तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स के द्वारा आप उनसे संपर्क में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, चलो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इंट्रिंसिक टाइप की प्रॉपर्टी है दोस्तों, इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या? तो इंट्रिंसिक मतलब जो खुद पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और पे। जैसे कि मास, मास जो है ये मास खुद पे डिपेंड करता है, मास मास जो है वो खुद के दम पे काम करता है ना, वैसे ही तो मास जो है वो खुद पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और पे। लेकिन इसके साथ वाला जो इसका पार्टनर है ना, वेट, तो वेट को कैसे निकालते हैं हम लोग? वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? सो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेट का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे मास और ग्रेविटी, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, तो ही मैं वेट निकाल सकता हूँ, नहीं तो मैं वेट निकाल नहीं सकता। तो वेट खुद पे डिपेंड है नहीं, ये वेट दूसरों के दम पे जो भी है उसका उड़ने की कोशिश करता है, ठीक है? तो वेट दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब क्या? तो वेट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज वेट? ए एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है? लेकिन मास जो है, मास के मेजरमेंट के लिए हमें किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मास जो है वो आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वेट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इन द सेम मैनर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग को किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट? सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द मटेरियल गिव्स राइज, मटेरियल गिव्स राइज मतलब इन शॉर्ट अलाउ, गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस किसके साथ में? बिटवीन, बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स। तो किसी और मटेरियल के साथ में अगर आपको कोई इंटरैक्शन करना है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट या तो रिपेल, मतलब कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखते हैं। देखिए, ये एक स्वेटर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और ये एक छोटा सा बलून। अब इस बलून को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस स्वेटर के पास लेके जाता हूँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है? एक्शन नहीं। थोड़ा और पास लेके जाता हूँ, एक्शन कुछ हो रहा है? नहीं। दूर लेके जाता हूँ, कुछ एक्शन हो रहा है? नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस बलून को लेकर इस स्वेटर के ऊपर रब कर देता हूँ अच्छे से। तो जैसे ही मैं इसे रब करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए। ओ माय गॉड, फिर से एक बार। यस, मतलब क्या? तो जैसे ही इस बलून को स्वेटर के साथ रब करने की कोशिश मैंने की, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो गया। अब जनरेट की जगह पे मैं यूज करूंगा वर्ड इंड्यूस, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस मतलब किसी और एक्शन की वजह से कुछ तैयार होना, उसे बोलते हैं इंड्यूस, राइट? तो यहाँ पर स्वेटर और बलून के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स इंड्यूस हुआ है। कैसे? देखिए, ये जो स्वेटर है, इस स्वेटर पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हुए हैं और इस बलून पर निगेटिव चार्जेस।
मतलब क्या, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे हैं। दैट्स वाई द बलून इज नाउ कंटिन्यूअसली इन कॉन्टैक्ट विद द स्वेटर। इवन इफ आई एम रिमूविंग इट, इवन इफ आई एम ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट एंड रिलीजिंग द बलून, इट इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स द स्वेटर। इसका मतलब ये हुआ, तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों प्रकार के जो चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, गलत बोल दिया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों अलग अलग है, और ये दोनों अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक की जगह पे दो बलून लेता हूँ, इसे रिसेट कर देंगे। कुछ जो पॉजिटिव चार्जेस है ये ले लेंगे, सॉरी निगेटिव चार्जेस ये ले लेंगे येलो बलून पर, और कुछ ले लेंगे हम लोग इस ग्रीन बलून पर। अब मैं ग्रीन और येलो को पास में लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, आई एम रिलीजिंग इट एंड इट इज़ गोइंग अवे। मतलब क्या, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है, राइट? मतलब निगेटिव एंड निगेटिव बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अ पॉजिटिव एंड निगेटिव मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ओके, तो ये हो गए आपके चार्जेस और उन पे जनरेट होने वाले जो भी कोई फोर्सेस है, अगर लाइक है तो रिपल्सिव और अगर अनलाइक है तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ और एग्जांपल्स। ये एग्जांपल, ये कॉम के साथ तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो। क्या करते थे हम लोग बचपन में, कॉम लेते थे, एक मस्त एकदम बाल बनाते थे हमारे, और कागज़ के छोटे 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 टुकड़े बनाकर उस कॉम को इन टुकड़ों के साथ में कांटेक्ट में लाते थे। तो क्या होता था, ये जो कॉम है इसकी तरफ ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अट्रैक्ट होते थे, राइट? मतलब क्या हुआ, तो ये जो कॉम है आपका, ये अब हो गया पॉजिटिव, और ये जो आपके कागज़ के टुकड़े हैं, सपोज कर लीजिए ये निगेटिव है, तो ये कॉम इसे अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल बचपन का, एक ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को एक क्लॉथ के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जब हम लोग रबिंग एक्शन करेंगे, जैसे हमने बलून और स्वेटर पे किया था, वैसे ही अगर मैं इसे एक्शन में लाता हूँ, रबिंग एक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और क्लॉथ के ऊपर निगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। अब इंड्यूस का मतलब आपको समझ में आया होगा, इंड्यूस होंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा अपने छोटे भाई बहन के साथ में। मतलब क्या, तो ये जो आपका कॉम था ना, जिसको आपने एनर्जाइज किया था हेयर्स के साथ में कॉम्बिंग करके, राइट, रबिंग करके, तो इसको एनर्जाइज करने के बाद कोई आपका छोटा भाई बहन अगर होगा, तो उसके बाल के साथ में अगर इस कॉम को मैं अटैच कर देता हूँ, या तो इन दोनों को थोड़ा सा पास में लाता हूँ, तो जो बाल रहेंगे छोटे बच्चे के, ये बहुत ही स्मूथ और एकदम पतले रहते हैं, राइट, एकदम लाइट वेट बाल रहते हैं। तो ये लाइट वेट बाल जो है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, राइट? और ये आप लोग सभी ने ये खेला होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स। अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलिए कितनी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तीन। कितनी प्रॉपर्टीज होती है, तीन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, एडिटिव मतलब एडिशन। तो सपोज करो एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ अलग अलग चार्जेस हम लोगों ने रखे हैं, तो इस टोटल कंटेनर का चार्ज कितना होगा, तो वो होगा अलजेब्रिक सम। कितना होगा, अलजेब्रिक सम। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स है, डिफरेंट चार्जेस है जो कंटेनर के अंदर रखे हैं, इन सबको जोड़ तोड़ के, एडिशन सब्सट्रैक्शन जितने भी उनमें अल्जेब्रिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले,
तो इनका जोड़ तोड़ करके जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपका फाइनल और टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंटेनर एज अ होल, राइट? सो व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इफ वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस, द चार्जेस विच आर पॉजिटिव विल बी एडेड टूगेदर, द चार्जेस विच आर निगेटिव विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी. अब दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर टू. नंबर टू प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन. क्या नाम है प्रॉपर्टी का? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एक लार्जर व्यू से देखते हैं, ऑन अ मैक्रोस्कोपिक व्यू, बहुत बड़ी लेवल से अगर हम लोग इसे सर्च करने की या तो स्टडी करने की बात करेंगे, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो कंटिन्यूअस है ऐसे लगता है, राइट? वी अज्यूम द इलेक्ट्रिक चार्ज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट इन एक्चुअल प्रैक्टिस. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्क्रीट इन नेचर. ये अलग अलग होते हैं. नहीं समझ में आया, छोड़ दो. क्वांटाइजेशन सबसे इजी मेथड समझने के लिए, क्यू. क्यू इज व्हाट? टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई. क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई इज नथिंग बट क्वांटाइजेशन. अब ये क्या है? क्यू मतलब टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, ठीक है. एन क्या है? तो एन आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And what is E? E is charge on each electron. ठीक है, तो जब भी हम लोग number of charges multiplied by charge on each electron कर देते हैं, तो इनका result जो भी मिलता है वो होता है आपका total charge Q. वो क्या होता है? आपका total charge Q. और इस property को हम लोग बोलते हैं quantization. इसको और एक example की तरह अगर समझना है तो देखिए, समझो ये एक building है, बहुत ही गंदा हुआ, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स हैं, ठीक है. देखिए कितने फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में, चार फ्लोर्स दिख रहे हैं. ये हो गया ग्राउंड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो जब भी मुझे बिल्डिंग के फ्लोर्स काउंट करने हैं तो मुझे ऐसे ही नंबर में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है. मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 3.5 फ्लोर्स है, ठीक है. मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि किसी बिल्डिंग में 3.5 फ्लोर्स है. तो जब भी फ्लोर की बात मुझे करनी है तो मुझे क्वांटाइजेशन करना है. मतलब क्या? तो एक फिक्स नंबर आएगा, डिस्क्रीट क्वांटिटी आएगी, वही अगर आप यूज करोगे तो ही वो करेक्ट रहेगा या तो फिर गलत हो जाएगा. अब समझ में आया? क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, या बेस्ट वे, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, वेयर दिस एन इज नंबर ऑफ चार्जेस. ये एन क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस. एंड व्हाट इज दिस ई? ई इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. ई इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन.